अब मैं उत्तरार्ध हिंदी की सभी छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा विषय है राजस्थानी की प्रमुख बोली जयपुरी की भाषागत या संरचनागत विशेषताएं। वे विशेषताएं जिनके कारण जयपुरी जो बोली है वो राजस्थानी की अन्य जो प्रमुख बोलियां हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न है, कौन सी भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जिनके कारण जयपुरी या इसे ढूंढाड़ी कहा जाता है उसकी अपनी एक पृथक पहचान है। राजस्थानी बोली की जो प्रमुख बोली मारवाड़ी है उसका हमने परिचय प्राप्त किया, तत्पश्चात आज हम जयपुरी की बात करेंगे। जॉर्ज क्रिएशन इसे मध्य पूर्वी के नाम से भी संबोधित करते हैं और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। एक दूसरा जो नाम है वो ढूंढाड़ी नाम है और ये नाम इसलिए पड़ा कि जयपुर के पास ढूंढ भी है और ढूंढ शब्द है टीले के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसलिए ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। और इसके अन्य जो नाम हैं वो मध्य पूर्वी राजस्थानी कहते हैं कुछ लोग इसे ढूंढाड़ी कहते हैं, कुछ लोग इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम जयपुरी पड़ा, यानी कि स्थान विशेष के आधार पर इसके नामकरण किया गया। झाड़साई नाम भी इसका प्रचलित है। ये जो बोली है जो प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत अजमेरी, किशनगढ़ी, हाड़ोती आदि भी जयपुरी के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं और मुख्य रूप से नागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर बात हम करें कि इस बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में ये बोली जाती है, तो देख सकते हैं कि ये बोली किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर, मेरवाड़ के उत्तरी पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिलों में बोली जाती है। यानी कि सामान्यतः हम कहें कि जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और इसकी जो विभिन्न उपबोलियाँ हैं उनमें तोरावाटी, काठोड़ी, चौरासी, नागरचाल, राजावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी, सिपाड़ी आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा हाड़ोती जो बोली है जिसको सिपाड़ी भी कह देते हैं वो भी एक प्रमुख बोली है। कुछ लोग इसको पृथक बोली के रूप में भी स्थापित करते हैं, लेकिन ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हमने जब राजस्थानी जो बोली है उसको चार वर्गों में विभाजित कर दिया, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, तो ये एक उप बोली के रूप में सम्मिलित हो जाती है हाड़ोती, जो कोटा बूंदी झालावाड़ में प्रमुख रूप से बोली जाती है, यानी कि हाड़ोती का जो पठार है उस क्षेत्रों में बोली जाने के कारण इसको हाड़ोती कहा जाता है। ये प्रमुख जो इसकी उप बोलियाँ हैं इनके क्षेत्र के बाद हम बात करेंगे जयपुरी बोली की विशेषताओं की या इस बोली की भाषा जो है वो संरचनागत विशेषताएं कौन कौन सी इस बोली की जिसके कारण ये अन्य बोलियों से भिन्न है। तो पहली जो विशेषता है वो जयपुरी बोली में कुछ ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो ध्वनि हिंदी में जिस उच्चारण में उच्चरित होती है उसका उच्चारण जयपुरी बोली में बदल जाता है। जैसे आ है वो ई में बदल जाता है, जैसे सड़ है शिंगड़ है हो जाता है, आ की जगह ई का उच्चारण होने लगता है, ई ए में बदल जाती है। बड़ी पहचान है इसकी, ई वाला जो ये विशेषता है ये ज़्यादा इसमें प्रचलित है। जैसे पंडित, पंडत, दिन, धन, पीष्णु, पैष्णु आदि का प्रयोग बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत होता है। ऊ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है, जैसे मानुक, मिनक हो जाता है, ऊ के स्थान पे ए का प्रयोग होता है, आ के स्थान पे ई का भी प्रयुक्त होता है और न के स्थान पे अण, कहानी, 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 खानी, यानी कि है जो है वो लोप हो जाता है आगे की विशेषताओं में हम देखते हैं। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो एक मोटी मोटी पहचान हम सामान्यतः बोलते ही पकड़ सकते हैं कि ये बोली राजस्थानी की कौन सी बोली है, मारवाड़ी है या जयपुरी है, तो सबसे बड़ी पहचान इस ई को ए में बदल जाना और बहुत ज़्यादा
इसका प्रयोग भी होता है, राजस्थानी में देखने को मिलता भी है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है कि जयपुरी में है ध्वनि का लोप हो जाता है, कि जहाँ भी है ध्वनि का उच्चारण होता है हिंदी में, जब राजस्थानी की जयपुरी बोली में उस शब्द का प्रयोग होता है जिसमें है की ध्वनि है, तो वहाँ पर है वो लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शहर, सो कहें शेर, शहर शेर, कहियो कयो कयो, इस प्रकार से इसमें है का लोप देखने को मिलता है। इसके बाद इस बोली में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति भी मिलती है। अल्प प्राण और महाप्राण की बात हमने पहले वाले वीडियो में भी की थी, और जहाँ ध्वनि वर्गीकरण की हमने बात की थी वहाँ इसको समझा भी था कि जो हमारी ध्वनियाँ हैं उनमें कुछ ध्वनियाँ अल्प प्राण है, कुछ ध्वनियाँ महाप्राण है, यानी कि जो व्यंजनों का प्रत्येक जो वर्ग है, यानी कि क वर्ग से लेकर के आखिर तक जो पंचम हैं, उनमें पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। इसको हम समझ सकते प्राण यानी कि वायु, जिस वर्ण के उच्चारण में या जिस ध्वनि के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और अधिक वायु का प्रयोग होता है वो महाप्राण कहते हैं। तो जयपुरी बोली में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि महाप्राण जहाँ पर प्रयुक्त होते हैं वर्ण या ध्वनि, उसके स्थान पर अल्प प्राण का प्रयोग मिलता है। ये इसकी विशेषता देखने को मिलती है। जैसे प्रवृत्ति जैसे आते हैं खुशी कुशी, जीभ जीभ, आधा आधो, यानी कि अल्प प्राणीकरण, खै महाप्राण है और इसी वर्ग का कह है वो अल्प प्राण है, कै खै गे घे अड़े, कै वर्ग में पांच वर्ण हैं, पांच ध्वनियाँ हैं, जिसमें कै है खै है गे है घे है और अड़े है। इसमें पहली कै गे और अड़े, यानी कि पहले तीसरी और पांचवी अल्प प्राण, दूसरी और चौथी महाप्राण। तो खै जो महाप्राण है वो किस में बदल गया, कै में बदल गया। इसी प्रकार से जी भय महाप्राण है, वो ब अल्प प्राण में बदल गया, प फ ब प वर्ग में। इसी प्रकार से तय वर्ग का जो आधा धय महाप्राण है वो दय में बदल गया, जो अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से ये अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है, इस बोली में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति भी कहीं कहीं मिलती है, ज़्यादा बहुतायत मात्रा में इसमें नहीं मिलती है। जैसे वक्त है उसको बखत बोल दिया इन्होंने, यानी कि कह के स्थान पर ख का प्रयोग हो गया। जयपुरी बोली में संज्ञा के निम्न रूप भी मिलते हैं, जैसे घोड़ा घोड़ो घोड़ियाँ घोड़ा, इस प्रकार से कुछ संज्ञा रूप विशिष्ट हैं जो इसकी पहचान है। इसके अलावा जयपुरी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं, जो अलग मिलते हैं भिन्न मिलते हैं, जिनके अपने आप में एक पहचान है इस बोली की, जैसे मैं अया महा मू तू थे ते था वे ऊँ आदि, जो सर्वनाम है विशिष्ट प्रकार से इसके अंतर्गत मिलते हैं। इस बोली के विशेषण भी विशिष्ट हैं, जैसे चोखो एकू चार छ आदि। जयपुरी बोली की कुछ क्रियाएं भी विशिष्ट प्रकार की हैं, जैसे चलूं चला चलो चलें चल्यो चलूला चलस्यूं आदि भी इसके विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, जिनके कारण इस बोली का अपने आप में एक महत्व है। इस बोली में जो संबंध कारक है उसमें को का और की प्रवृत्ति प्रचलित है। संबंध कारक में यानी कि को का और की का प्रयोग होता है। अगली
जो विशेषता है वो एक इस बोली की जो मुख्य पहचान है वो सहायक क्रियाएं हैं, और जिसके कारण सीधा सीधा हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे हूँ, छा, छी, छौ, छे, छो, छी। काहे कर रहे हो छे? कठे जा रहे हो छे? कठे जा रही छी, यानी कि स्त्रीलिंग है तो छी और पुलिंग है तो छो। ये विशिष्ट पहचान, ये सहायक क्रियाएं हैं जो स्पष्टतः इस बात का हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अमुक जो बोलने वाली, जो बोली जाने वाली जो बोली है वो राजस्थानी की जयपुरी बोली है। इसके अलावा इस बोली में भविष्यत काल के लिए लो, ला, स्यों, सी, कृदंत का प्रयोग भी होता है। जैसे कर लेंगे, अपन कहते हैं यह काम हम कर लेंगे, यो काम हम कर लेस्या, लेस्यूं, कर लेस्यूं, कर लूँगा, कर लेला, करेला, पानी भर लेंगे, भर लेला, यानी कि ला, लो या स्यों या सी का प्रयोग कर लेसी, यो काम राम सिंह कर लेसी, कर लेगा, इसका प्रयोग भी इस अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा यह जो बोली है नाम रूप ओकारांत हो जाता है, जैसे छोरो, बेरो, तेरो आदि। दूसरा इसके सर्वनाम, जैसे इसमें भी विशेष पहचान काई, काई की बोली, काई कोड है आदि का प्रयोग भी होता है। तो आदि जो विशेषताएं हैं जो जयपुरी बोली को अन्य राजस्थानी बोलियों से एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं, और राजस्थानी की एक प्रमुख बोली मारवाड़ी के बाद जयपुरी को बोली जयपुरी मानी जाती है, जो जयपुर शहर को छोड़कर के उसके ग्रामीण क्षेत्रों में और टोंक, किशनगढ़ आदि जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसका प्रमुख रूप देखने को मिलता है। इनकी विभिन्न जो बोलियां हैं वो भी लंबी दूरी तक प्रचलित हैं। धन्यवाद।